बोलो। अस्सलाम वालेकुम, गार्डनिंग विद प्लेजर में आपको खुश आमदीद। बच्चों ने तो आपको वेलकम कर दिया। और अब जब मौसम चेंज होने लगते हैं तो चेंज होती ही सिर्फ कपड़ों की नहीं बल्कि हम डाइट की फ़िक्र भी करते हैं। तो जब सर्दी स्टार्ट होने वाली है और स्टार्टिंग में ही जब हम अपने बच्चों की अच्छी डाइट देंगे तो वो मौसम की सर्दी हो या गर्मी उसको सह पाते हैं। लेकिन सर्दियों के लिए हम ये ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको हम किस तरह यूज़ करते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए। ये है कोकोनट, ये है इस तरह से, हमें कद्दूकश नहीं कर पाए तो हमने ये क्रश किया हुआ ले लिया। और ये है जी फूल मखाने, ये जो है ये सबसे अच्छी बात इसमें ये है ख़वातीन के लिए एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन डी ई, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम सब कुछ इसके अंदर होता है। अगर ये अपनी डाइट में आप रखें तो यकीन कीजिए आप अपनी एज से 10 साल कम नज़र आएंगी। आजमाइश शर्त है, आजमा लीजिए। अगर आप इसको अपनी डाइट में रखेंगे तो 10 साल आप एज से छोटे नज़र आएंगे। इसके अलावा ये जी है वॉलनट, जिसको कहते हैं हम अखरोट कहते हैं, ये है। और ये है बादाम, अच्छा। और ये है मिश्री, ये मिश्री जो है जो कि हम देसी मिश्री कहते हैं जिसके अंदर धागा होता है, ये वो वाली मिश्री है। और हमने क्या करना है कि इन सबको पीसना है, जैसे बारीक करना है करके, और रात को दूध में हम इसको एक चम्मच इस्तेमाल करेंगे। और एक चम्मच चाहें तो आप इसको, ये जो फूल मखाने हैं इनको आप फ्राई कर लें या आप इस तरह कच्चे ही पीस लें, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप इसको हल्की सी घी में रोस्ट करेंगे तो और ज़्यादा जल्दी क्रश होकर पीस जाएंगे। और ये सारी चीज़ें आप बच्चों को भी दीजिए, खुद भी खाइए। यकीन कीजिए जो बुज़ुर्गों के मौसम के, सर्दी के मौसम आने से पहले पहले उनके जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है, घुटनों में दर्द होता है, तो आप यकीन कीजिए इसको खाने के बाद दूध में जब आप रात में देंगे उनको तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कुछ अरसे के इस्तेमाल से एक तो वो सर्दी की शिद्दत को बर्दाश्त कर लेंगे, सेकेंड ये जो दर्द है टांगों में दर्द, छोटे बच्चे जो ग्रोथिंग एज के हैं उनकी टांगों में दर्द शुरू हो जाता है तो उनके लिए भी ये बेहतरीन है। अच्छा, छोटे बच्चों के लिए ये शर्त नहीं है कि सिर्फ सर्दियों में आप बनाएं, ये आप गर्मियों ही बना सकते हैं। और रात को जब आप दूध गर्म करें अपने बच्चों को देने के लिए तो इसको शामिल कीजिए और उबाल के और पिला दीजिए। अब हम इसको पीसने लगे हैं, सारे नट्स डाल दिए हैं। ये हमने पीस लिया है। इसका देखिए ऐसा है कि आप जब रात में बच्चों को ग्लास देते हैं दूध का, या बुज़ुर्गों को देते हैं या ख़ुद भी पीते हैं, तो इसमें एक बड़ा चमचा जो चावलों का होता है गरम दूध में डालिए और हिलाकर या बॉयल आने दीजिए दूध को, उसके बाद ये खीर सा बन जाएगा, उनको दीजिए। यकीन कीजिए ये आई साइट के लिए, सेहत के लिए, जिस्म में दर्दों के लिए और सर्दी से भी प्रोटेक्शन के लिए बेहतरीन है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको और बता दूं, जैसे ये फूल मखाने हैं ये सही पिसे नहीं है, अगर इनको आप थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लेंगे या घी में फ्राई करेंगे उसके बाद सिर्फ हाथों से आप इस तरह करेंगे ये क्रश हो जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि इनको आप पीसें और फ्राई करके रख लीजिए, इस तरह से करके आप हाथों से फ्राई किए हुए और डाल दीजिए दूध में। और मुझे अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।